नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और स्वागत करता हूं आप सबका गुरुकुल ज्ञान के इस वीडियो में। दोस्तों, लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन आज के ज़माने में कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। अरुण साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र IIT करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपये का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। अरुण साहब जब रिटायर हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत लौटने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अरुण साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। अरुण साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका चले गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से अरुण साहब की पत्नी को लकवा हो गया। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य अरुण साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। अरुण साहब पूरी निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि अरुण साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से अरुण साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि अरुण साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई दूसरा सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर को जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था, फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा अरुण साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले अरुण और फिर भावना की मौत हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिनकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वो कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। एक कवि ने क्या खूब कहा है, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। दोस्तों, माता पिता अपने संतान के लिए क्या नहीं करते। एक माँ केवल अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने शरीर का एक टुकड़ा, एक हिस्सा निकालकर बाहर रख देती है। माँ और पिता का जो दर्जा है वो सचमुच देवताओं से भी कहीं बढ़कर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने माता पिता को साकार देखा है। हमारे माता पिता इस संसार में हमारे लिए भगवान के ही रूप है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। माँ बाप का आशीर्वाद आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, हम लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, चाहे हम किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमें कभी भी अपने माता पिता के सहयोग, उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमारी खुशियों के पीछे, हमारी उन्नति के पीछे हमारे माता पिता की अनगिनत खुशियों का त्याग निहित होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा यह परम दायित्व बनता है कि हम उनका आदर करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी सेवा करें और जहाँ तक संभव हो सके उन्हें खुशियाँ देने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।